नमस्कार, मैं हूं अर्षी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चिमूर के एक बियर बार में बाघ के नाखून बेच रहे आरोपी को किया गया रंगे हाथ गिरफ्तार। जसबीर सिंह संगत सिंह अंधेरे ले ऐसा आरोपी का नाम है जो चिमूर के केसलापुर का निवासी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इस मामले की गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद जाल रचकर आरोपी को बाघ के नाखून बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। 11 अगस्त को गढ़चिरौली में कठानी नदी में छलांग लगाने वाले व्यक्ति के शव को 13 अगस्त की सुबह नदी किनारे झाड़ियों से किया गया बरामद। मनोज राजूरकर ऐसा इस व्यक्ति का नाम है, जिसके मृतदेह को बाहर निकालकर परिजनों को सौंपा गया। गढ़चिरौली के लाहेरी में 23 वर्षीय किशोर कुड़ियामी की गोली मारकर की गई हत्या। शक के आधार पर पकड़े गए आरोपी से की गई पूछताछ, जिसके बाद जादू टोना करने के शक से ये हत्या करने की आरोपी ने दी कबूली। राजू बेगामी ऐसा आरोपी का नाम है, जिसे 13 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया है। चंद्रपुर में 15 से 17 अगस्त तक 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का किया गया है आयोजन। प्रियदर्शनी सभागृह में ये प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन नव नियुक्त कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों 15 अगस्त को किया जाएगा। हर घर तिरंगा उपक्रम को लोगों का उत्तम प्रतिसाद मिल रहा है, किंतु इसी बीच 2 दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं, जहां घर पर तिरंगा लगाते हुए अलग अलग 2 घटनाओं में 2 व्यक्तियों की जान चली गई। पालघर के राजेवाड़ी गांव में ध्वज लगाने घर के छत पर चढ़े व्यक्ति की नीचे गिरने से मृत्यु हुई, तो दूसरी घटना में तिरंगा लगाने छत पर चढ़े व्यक्ति की विद्युत तार के स्पर्श से दुखद मृत्यु हो गई। वरोरा के बोर्डा में एक परिवार अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार पर गया था, उसी दरमियान घर में कोई ना होने का फायदा उठाकर सेंधमारों ने घर में की लाखों की सेंधमारी। 10 तोले सोना दिन दहाड़े चोरों ने गायब किया, जिसके बाद परिसर के लोगों में डर के साथ साथ पुलिस के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। राज्य में बनावटी पुलिस बनकर ठगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चंद्रपुर जिले में चाहे अब तक ऐसा कोई मामला सामने ना आया हो, लेकिन फिर भी लोगों से सावधानी बरतते हुए सतर्क रहने का आवाहन किया जा रहा है। खासकर प्रेमी युगल जो एकांत के लिए ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां कोई ना हो, ऐसी जगह पर धोखाधड़ी के मामले बढ़ने की संभावना बनी रहती है, जिसके चलते ऐसी जगह पर ना जाने की सूचना दी जा रही है। राज्य में और 4 दिनों तक भारी बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। विदर्भ में 13 से 16 अगस्त तक मूसलाधार बारिश रहेगी, तो वहीं मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश बरसने की संभावना जताई जा रही है। शिव संग्राम पक्ष नेता विधायक विनायक मेटे की कार दुर्घटना में हुई दुखद मौत। मुंबई पुणे महामार्ग पर यह हादसा हुआ, जिसमें जख्मी होने पर उन्हें पनवेल के MGM अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उपचार के दौरान विनायक मेटे का निधन होने का समाचार है। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ, आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।